Children, this is your book Engaging English Class 7th and this is the second part of your video Lesson 5 Where Tigers Swim. तो ये आपका वीडियो का second part है Where Tigers Swim का. First part में हमने chapter को read किया और second part में हम करने जा रहे हैं इसके question answers with full back exercise. और इसी के साथ आपकी और other chapters की videos भी आपके channel पे upload हो चुके हैं question answers और explanation के साथ as well as grammar और writing section भी आपका channel पे हैं. So जो भी आपके desire है आप उसको जाकर के check कर सकते हैं playlist में. So let's begin question answers and back exercise of this chapter. It's your first question of your book. The very first is match the following. आपको कुछ matches देने के लिए दिया गया है. देखो ये जो सारे आपके words हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा connected हैं. तो यहाँ पर जो best जो option था मैंने आपका आपका वो select करके लिखा है. जैसे first का H आएगा, second का F आपका answer आएगा, third का E, fourth का I, F fifth का C, sixth में B आपका correct option रहेगा, सेवेंथ में डी आपका बेस्ट मैच है और एट्थ में जी, नाइन्थ में ए. तो आप इनको जो है वो मैच कर सकते हैं कि इसका कहाँ से कौन सा मैच बनता है. लेट्स कम टू नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर बी पार्ट. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन द नरेटर एंड द टाइगर. टाइगर और नरेटर के बीच में पहले आमना सामना उस कब हुआ, कैसे हुआ, उसका आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. The narrator spotted a floating log. जो narrator है, उन्होंने क्या देखा? एक बहते हुए लकड़ी के टुकड़े को देखा. He noticed, उसने notice किया that it was moving at 90 degree angle. कि ये तो 90 degree के angle पे घूम के उनकी तरफ आ रहे हैं. तो बड़ा surprise हुआ. But later he realized, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ that it was a wild tiger. अरे ये तो wild tiger था, कोई पीस ऑफ वुड नहीं था, कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, क्योंकि उसको लगा कि पानी में तैर के लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है. लेकिन एक्चुअल में ये क्या था, ये तो बंगाल टाइगर था यहाँ पे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज हैपनिंग एट माल्टा. माल्टा फॉर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट, जो माल्टा फॉर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट था उसमें क्या हुआ और ऑथर का उसके बारे में क्या व्यू था आपको ये बताना है. सो स्कोर्स ऑफ लेबर्स वर बिजी हैकिंग अ ह्यूज एंड स्वीट वाटर पॉन्ड आउट ऑफ द मैनग्रोव स्वैम्प. तो यहाँ पर जो है वो माल्टा फॉर फॉरेस्ट में कंपार्टमेंट में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो लेबर्स थे यहाँ पर बहुत बिजी थे क्या करने में, काफी जो यहाँ पर जो कटिंग थी वुड की कटिंग थी वो भी यहाँ पर चल रही थी. तो यहाँ पर वो काफी बिजी दिख रहे थे उनको. और सेकंड उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, जो स्वीट वाटर पॉन्ड था ना जो कि मैनग्रोव में से था, मैनग्रोव मीन्स जो मैंगोज के बड़े सारे ट्रीज थे यहाँ पर, उनमें से उसने एक स्वीट वाटर का पॉन्ड भी देखा, यहाँ पर तालाब देखा. और अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ पे क्या था, एवरी सुंदर बंस क्रिएचर, यहाँ पर जो हर एक सुंदर बन का जो क्रिएचर था, हैड लर्न, वो सीख चुके थे कि कैसे उनको सर्वाइव करना है. सर्वाइव वेरी वेल, कितने अच्छे तरीके से वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं सॉल्टी वाटर एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर था वो सॉल्टी था और इसे सॉल्टी वाटर में उनको यहाँ पर सर्वाइव करना उन्होंने सीख लिया था. थर्ड इज, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुंदरबन. सुंदरबंस की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में यहाँ पर उत्तर का क्या कहना है. तो सुंदरबंस जो है इज अ फॉरेस्ट, वो एक यहाँ पर फॉरेस्ट है यहाँ पे ये, वे टाइगर्स आर रिजर्व, जहाँ पर कि टाइगर्स बहुत ही सेफ है यहाँ पर रखे जाते हैं सेफली. एज मैनी एज 65 मैनग्रोव प्लांट स्पेसिस ग्रो, और यहाँ पर जो मैंगो ट्रीज हैं उसके भी काफी सारे, मतलब 65 जो वो स्पेसिस यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड मेकिंग इट द मोस्ट बायोडाइवर्स, और इसको और भी ज्यादा बायोडाइवर्स वो बना देती हैं. क्या चीज बनाती हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो यहाँ पर है जो मोस्ट डाइवर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये सुंदर वन को बनाते हैं. क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना केवल टाइगर्स रिजर्व हैं, इवन यहाँ पर 65 जो मैंगो ट्रीज है ना उनकी जो मैंगो की जो वैरायटीज है वो यहाँ पर ग्रो की गई है, वो यहाँ पर उगाए गए हैं. तो यहाँ पर दोनों ही देखने को मिलते हैं.
fourth question, why are there no permanently settled villages in the tiger reserve? तो यहाँ पर permanently जो villages हैं, उनका settlement यहाँ पे क्यों नहीं, क्यों यहाँ पर villages नहीं है, आसपास में यहाँ पर गांव क्यों नहीं है tiger reserve में यहाँ पर, क्योंकि बट यहाँ पर tigers जो हैं, वो reserve हैं यहाँ पर, तो क्यों नहीं है? There are no permanently settled villages, यहाँ पर permanently settled villages कोई भी नहीं है यहाँ पे in the tiger reserve. Tiger reserve में क्यों? क्योंकि बिकॉज लाइफ कैन बी वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ है बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है और काफी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं. तो ह्यूमंस के लिए यहाँ पर रहना जो वो इजी नहीं है, एज देर इज नो सॉलिड ग्राउंड, और यहाँ का जो ग्राउंड है, यहाँ की जो जमीन है वो भी सॉलिड नहीं है, यहाँ का जो एटमोसफेयर, यहाँ का जो वेदर है वो भी इनके अकॉर्डिंग नहीं है, और मैन मेड दिक्कत भी यहाँ पर नहीं है. दिस इज द अल्टीमेट लैंड ऑफ टाइगर्स. और अगर हम इसको कहें तो हम कहेंगे कि 100% ये जो लैंड है वो सिर्फ टाइगर्स के अकॉर्डिंग ही सेट की गई है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नो विन सिचुएशन. अब यहाँ पर जो सुंदरबंस है उसमें नो विन सिचुएशन क्या है, उसको डिस्क्राइब कीजिए. तो यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है वो देखो सेटल्ड नहीं है, ठीक है. दे पोर इनटू द स्वैम्प्स ऑन एवरी डे दैट द वेदर अलाउज, मतलब वो वहीं पर रह सकते हैं जहां पर उनको वेदर जो है वो क्या करेगा, अलाउ करेगा. दिस सेट्स अप, और यही जो चीज है, मतलब जो लोगों का सेटल्ड ना होना, ये जो चीज है ये एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देती है, एक मतलब उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देती है, उनके माइंड में जो वो डिस्प्यूट चलता ही रहता है कि ऑफ इंटरेस्ट दैट एंड्स अप, और उनका जो इंटरेस्ट है वो फिनिश हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है नो विन सिचुएशन पे, कि कोई भी यहाँ पर नहीं जीतता, ना तो यहाँ पर टाइगर्स ही अच्छे से रहेंगे ना यहाँ पर ह्यूमन, मतलब दोनों के यहाँ पर डेथ जो है वो सर्टेन है. जो यहाँ पर टाइगर्स है वो तो सेफ है, लेकिन ह्यूमन बींग यहाँ पर उनको रहने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो चाहता कि यहाँ पर वो रहे. ह्यूमन बींग रहना चाहता है, लेकिन ह्यूमन बींग के लिए यहाँ पर जो प्रॉपर जो वो सेटल नहीं है, वो यहाँ पर सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि वेदर यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग नहीं है. नेक्स्ट इज नेम द वेरियस स्पेसिस ऑफ प्लांट. अब यहाँ पर जो वेरियस जो स्पेसिस है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, जो इसमें मेंशन किए गए हैं वो उनके आपने यहाँ पर नेम बताने हैं, और क्लासिफाई करना है एनिमल्स को इनटू क्रिएचर्स ऑफ एयर वाटर एंड लैंड. यहाँ पर एयर वाटर, देखो यहाँ पर जो प्लांट्स है वो यहाँ पर मैंग्रोव्स के बारे में बोला गया मेनली, यहाँ पर कौन से बोला गया है, नेम ऑफ द वेरियस स्पेसिस ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर क्या बोला गया, मैनग्रोव के बारे में बोला गया. 65 वराइटीज यहाँ पर मैनग्रोव की बोली गई है. यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर लेना इस क्वेश्चन में, 6 के आंसर में, कि 65 मैनग्रोव आर मैनग्रोव स्पेसिस आर डिस्क्राइब्ड देयर. सिर्फ एक लाइन ऐड कर लेना. नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर एयर में, वाटर में और लैंड में कौन से एनिमल्स दे गए, वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए कि एयर के लिए कौन से, जैसे ड्रैगन फ्लाई हो गया यहाँ पर, वाटर के लिए कौन सा हो गया, किंगफिशर हो गया और क्रोकोडाइल्स हो गया, या फिर क्रस्टेशियंस हो गए यहाँ पर, और एयर के लिए जो है विस्टल हो गया यहाँ पर, लैंड के लिए टाइगर और स्नेक्स हो गए. तो और भी ज्यादा क्रिएचर के नेम यहाँ पर आपके चैप्टर में गिवन है, आप यहाँ पर ये देख लेना कि एयर में कौन से सुइटेबल है, वाटर में कौन से और लैंड पे कौन से हैं, तो उनके आप यहाँ पर नेम और भी ऐड कर सकते हैं. और एक और लाइन इसमें ऐड कर लेना, जो कि इसमें बोला ना कि नेम द वेरियस स्पेसिस, तो यहाँ पर नेम यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको 65 स्पेसिस ऑफ प्लांट दिए गए हैं फ्लोरा के, यहाँ पर फ्लोरा और फना के बारे में यहाँ पे, ठीक है. तो आप मैनग्रोव के बारे में यहाँ पे लिख देना, मैनग्रोव. नेक्स्ट आपका 7th है आपका गिव टू एग्जाम्पल्स. अब आप यहाँ पर ना टू एग्जाम्पल्स बताने हैं सिमिली के चैप्टर के अंदर, से उनको एक्सप्लेन करना. सिमिली क्या होता है, जिसमें लाइक और एज वर्ड आते हैं. तो यहाँ पर आप जैसे एज, मैनी, एज आपका दिए हैं, तो वो क्या है, 65 जो है वो मैनग्रोव प्लांट स्पेसिस ग्रो. देखो इसी लाइन को एज इट इज उठा के आप इस वाले में भी लिख सकते हैं 6th आंसर में, क्योंकि उसने यहाँ पर प्लांट्स के बारे में पूछा है, ठीक है. तो यही लाइन उठा करके 65 मैनग्रोव प्लांट स्पेसिस ग्रो, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं. आगे उसने जैसे लाइक वर्ड की वजह से फिर से यहाँ पर सिमिली है, या आपका लिटरेरी फिगर होता है, तो लाइक है यहाँ पर कैसे, अ सेफ माइट स्टील अ ग्रेट सोप विद नथिंग वेस्टिंग, मतलब यहाँ पर जो सेफ होता है वो क्या करता है, बिना किसी चीज के वेस्ट के बहुत ही अच्छा सा सूप बना देता है. तो यहाँ पर लाइक वर्ड का इस लाइन के अंदर यूज किया गया. तो एज जहां पर वर्ड यूज है, लाइक जहां पर यूज है, तो वो आपका सिमिली होता है, ये आपकी लिटरेरी फिगर होती है इंग्लिश के अंदर, जिनको आप अलंकार बोलते हैं हिंदी में.
नेक्स्ट आपका सी है फर्स्ट पार्ट लिस्ट आपने. अब यहाँ पर आपने ना ट्रेड्स बताने, मतलब रॉयल बंगाल जो टाइगर है यहाँ पर उसके बारे में आपने चैप्टर में से कुछ लाइंस कलेक्ट करके लिखनी है. तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहाँ पर जो है टाइगर की मेन स्पेसिस मानी जाती है. ये स्पेशल पॉपुलेशन का होता है जो कि पैंथर आपने सुन रखा है टाइगर्स, तो उनकी स्पेशल पॉपुलेशन में से एक माना जाता है. और ये जो नेशनल एनिमल है इंडिया का भी एज वेल एज बांग्लादेश का. दे हैव एक्सीलेंट विजन, इनका जो विजन होता है ना देखने का नजरिया, मतलब देखना उनकी, इनकी जो आईसाइट होती है बहुत दूर तक की होती है, बहुत दूर से ही अपने जो शिकार है उसको ये पहचान लेते हैं. एंड गुड हियरिंग, और दूर से उनकी आवाज को ये भनक ले लेते हैं कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कोई थोड़ी दूरी पे कोई एनिमल है. दे आर लार्जर, ये काफी बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं और पावरफुल स्विमर भी हैं देन अदर टाइगर्स. दूसरे टाइगर्स के कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी स्विमिंग भी कर लेते हैं. नेक्स्ट आपका है यहीं पे स्विमिंग भी कर लेते हैं. सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक ह्यूमंस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. यहाँ पर ह्यूमन के और एनिमल्स के बीच में, मतलब एनवायरनमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलता रहता है. फिर से वही बात है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलता है, क्योंकि ये जो कॉज है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट वो क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन नहीं है यहाँ पर, इलीगल जो है वो ग्रास कलेक्शन नहीं कर पाते यहाँ पे, डिफोरेस्टेशन इन नेशनल पार्क, मतलब ये चीजें वो करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हो नहीं पाती, तो इस वजह से इनकी लाइफ जो है वो सेटल नहीं होती यहाँ पर और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, क्योंकि एनवायरमेंट के अगेंस्ट ये कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के बाद यहाँ पर सब कुछ चीजें सेव कर दी गई हैं. नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपने रीराइट करना है और कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड क्या होता है, दो, एक से ज्यादा, मतलब दो एडजेक्टिव आपने यहाँ पर निकाल के सेंटेंस को फ्रेम करना, मतलब ऐसे सेंटेंस को बनाना है कि जिसमें दो आपके एडजेक्टिव एक ही जगह है, जैसे फाइव और आर आपके टू या आपके कंपाउंड एडजेक्टिव है. तो ऐसे मैंने आपको फ्रेम किया जैसे सन ड्राइड, लेकिन मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है. 10 मिनट्स फिर से आपका कंपाउंड आपका एडजेक्टिव है. 2 वीक्स आर लास्टेड, इसमें जैसे बिटर स्वीट, सेल्फ सेटिस्फाइड, डेंजरस डॉग और यहाँ पर क्या है स्काई ब्लू. तो ये मैंने यहाँ पे क्या किए हैं आपके कंपाउंड एडजेक्टिव से लेकर को यूज करके आपके सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं इन्हीं से रिलेटेड. तो आप इन सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेना. नेक्स्ट है आपका, आपने यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि पहले कौन सी आएगी. तो यहाँ पर पहले में जैसे मौन आएगा, सेकेंड में डैमेज आएगा, थर्ड में शीर आएगा, फोर्थ में प्रिज्यूम आएगा, फाइव में कॉन्सियस आएगा, सिक्स में लिविंग आएगा, सेवन में अफेक्ट्स आएंगे, एट में प्रिंसिपल आएंगे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपाथी आएगा जो कि पाथेटिक कंडीशन होती है, कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे. तो ये आपका बेस्ट जो है सिलेक्शन है आपके वर्ड्स का. नेक्स्ट आपको दिया कि देखो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर में से आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंस फ्रेम करने हैं. तो चैप्टर में से आप कितना ही लंबा भी सेंटेंस बना सकते हो, कितना ही छोटा भी बना सकते हो. तो मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की ट्राई की है. मार्क्ड फॉर लाइफ का जैसे मैंने लगा था सुंदरबंस इज मार्क्ड फॉर लाइफ, फॉर द टाइगर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो मैंने आपके बुक में से ये सेंटेंस कुछ उठा करके फ्रेम किए हैं, जैसे विद इन स्ट्रिकिंग डिस्टेंस है आ गया यहाँ पे, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस आ गया, एट बे आ गया, नो विन सिचुएशन है, इन फ्लैश एंड ब्लड आ गया, हियर सॉरी हार्ट फिट टू ब्रेस्ट आ गया. तो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड ही मैंने सेंटेंसेस को फ्रेम किया है. आप भी यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. सेंटेंसेस आपके ऐसे होंगे, आप थोड़ा बड़ा करना चाहिए बड़ा कर सकते हैं और छोटा करना चाहिए छोटा कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको बताना है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और वो किस टाइप का एडजेक्टिव. तो सेंटेंस वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि नंबर दिया गया, काउंटिंग दिया. इनफ हमारी क्वांटिटी के अंदर आता है, बेस्ट हमारा क्वालिटी के अंदर आता है, ऑल हमारा फिर से नंबर, कितने नंबर है ऑल है नंबर, विच हमारा क्वेश्चन मार्क को शो करता है तो इंटरोगेटिव आ जाता है, सेवरल मतलब कई, फिर से कई है तो नंबर में आ गया, लेकिन ये इनडेफिनेट होता है. ऑल भी हमारा इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट नंबर है, और ये हमारा जो ऑल है और सेवरल ये हमारा इनडेफिनेट नंबर है. ब्लू है, हाई है, ये हमारी क्वालिटी होती है कि कैसे कलर का है कैसा नहीं है, ब्राइट है, यंग है, ये भी हमारी क्वालिटी है. नाइन्थ सेंटेंस में जो दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जहाँ पर दिस दैट दोज दीज आते हैं तो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. फ्यू जहाँ पर आ गया फिर से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट है यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन कि आपने देखो यहाँ पर मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने आपके मैक्सिमम सेंटेंसेस लिख दिए, क्योंकि इसने बोला कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है. प्रेजेंटेशन का मतलब तो बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास. तो जैसे इसने बोला व्हाई इट वाज स्टार्टेड,
कि ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था ये क्यों स्टार्ट हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने मैक्सिमम लाइंस लिखे हैं, आप चाहे तो इसमें से बीच वाली कोई भी लाइन कट करके जो आपको मेन लाइंस लगे आप वो लिख सकते हैं। ऐसे ही टाइगर सेंसस के बारे में कि 2000 में उनकी क्या काउंटिंग थी तो उसके बारे में मैंने लिखा आपका, तो आप यहाँ पर जो सेकेंड मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका गिवन है कि हाउ इंडियाज टाइगर, जो इंडिया की जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको लिया गया कि जो जो प्रोजेक्ट ये चला था उसके बारे में वो थैंक्स करते हैं, तो मतलब क्या इंक्रीज हुआ है यहाँ पर वो आपको लिखा गया प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि 1973 में लॉन्च हुआ था और बिगनिंग में जो है यहाँ पर सिर्फ 9 टाइगर्स थे लेकिन बाद में जो है वो 50 टाइगर्स तक भी यहाँ पर हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है 6% जो है पर एनम यहाँ पर बढ़ता रहता है इंडिया के अंदर। और लास्ट आपका है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स कौन सी थी अगर उसके सामने आई, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हो कि कैसे जैसे कॉन्ट्रावर्सी से शुरू हो गई थी प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आई थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको मैंने लिख दी है। इनमें से अगर आपको आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट लिखना है, आपके टीचर ने बोला शॉर्ट लिखना तो शॉर्ट लिखो, लॉन्ग लिखना है तो लॉन्ग, मैंने मैक्सिमम लाइन्स आपकी लिख दी हैं। नेक्स्ट आपका रहता है लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना है चैप्टर के अकॉर्डिंग कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले सेंटेंस में आपको बोला है द रॉयल बंगाल टाइगर कैन ओनली बी फाउंड, क्या सिर्फ ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है? नहीं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में तो होता ही है, साथ साथ ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, मैनग्रोव में पाया जाता है, हाई अल्टीट्यूड में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ग्रासलैंड में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका मेल टाइगर्स का वेट क्या 300 होता है और क्या फीमेल का 180 होता है? जी नहीं, यहाँ पर मेल टाइगर का वेट जो एज्ड होता है ना, जो अडल्ट टाइगर होता है उसका वेट 220 केजी होता है और फीमेल का होता है 140, सो ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। टाइगर प्रेफर टू लीव ग्रुप, क्या टाइगर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? क्या आपने कभी टाइगर्स को ग्रुप में देखा है? नहीं, एलिफेंट्स को ग्रुप में देखा होगा, ठीक है, लेकिन टाइगर्स कभी भी जो है वो ग्रुप में नहीं रहते, वो हमेशा अलोन रहते क्योंकि वो जो पावरफुल एनिमल है और उसको किसी ग्रुप की जरूरत नहीं होती। The animals that tigers usually hunt include, जो tigers tiger hunt करते हैं animals को, तो उनमें क्या सिर्फ small elephant आते हैं या फिर rhinos आते हैं, कौन कौन आता है, क्या सिर्फ ये दो ही, क्या सिर्फ इन दो को ही hunt करता है? नहीं, जो animal आपने देखा होगा ना tiger जो बहुत से animals को hunt करता है, जैसे आपने deer को देखा, हिरन को देखा होगा, pigs को देखा है, काउस को भी उसको हंट करते हुए देखा होगा, गोट्स को भी हंट करते हुए देखा होगा, तो ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता कि एनिमल है, जैसे हॉर्स भी होते हैं उनको, मतलब जो भी एनिमल उसको मिलता है ये उसी को, जैसे फोक्स हो गया, ऑक्सन हो गया, तो जो भी उसको मिलता है, बफेलोज होगी, इन सबको वो हंट कर देता है, तो ये अपना शिकार सबको बना लेता है। नेक्स्ट आपका है 6th, टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी, क्या टाइगर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो है वो अपने से 7 गुना वेट के एनिमल को खींच के लेके आ सकते हैं? ऐसा कभी हो सकता है कि टाइगर अपने से 7 times जो मल्टीपल वेट में है, मतलब टाइगर से ज्यादा 7 गुना वेट में है, वो उसको खींच के लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, उनको वो नहीं खींच सकते, लेकिन वो वहीं पर अपने उस फ्लैश को खाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।